तो हंसने को जो अपना पुण्य मानते हैं वे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे यहां पर मौजूद हैं। अभी तक जिनके चेहरे पर खिलखिलाहट नहीं आई, मेरा दावा है पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे। बस भीतर मानसिकता होनी चाहिए, अगर आपके भीतर कलेश भरे हुए हैं तो संसार का कोई भी आदमी आपको मुस्कुराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और आपके भीतर अगर आनंद भरा हुआ है तो सातों लोगों का आनंद आपके सामने नृत्य करता हुआ दिखाई देगा। पूरा सदन एक बार जोरदार ताली से बुलाएं, आ रहे हैं गवर्नर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। जितना लिख के दिया था पूरा बोला। इसको बोलते हैं ईमानदारी। बुद्धि का बुद्धि से क्या काम। दो दो लोग मिलकर पूरे जवानों को भड़काना चाह रहे हैं, प्यार करो प्यार करो प्यार करो। मैं आपको ज्ञान की बातें देता हूं, प्यार के चक्कर में मत पड़ना। बड़े बड़े का भाग्य फूट गया, जैसे अनुष्का के चक्कर में विराट के हाथ से वर्ल्ड कप। प्यार के चक्कर में मत पड़ना। ये लोग भड़काते रहते हैं जवानों को, जबकि जवानों को क्या चाहिए। जवान ये जानना चाहते हैं कि उनका आइकन कौन है, हु इज आइकन ऑफ यूथ। जवानों का आइकन कौन है, वो शाहरुख खान तोतला। अरे राष्ट्रभक्ति का स्वाद चख ले, अरे हक ले एक बार, काजल तो बोल ले, वो हमारा आइकन हो सकता है। जमाना है तेरे को मेरे को सरदार। वो हमारा आइकन। कौन है हमारा आइकन, हो राहुल गांधी जो चिंतन करने के लिए बैंकॉक गया। 10 बार गया हूं मैं बैंकॉक, वहां सब हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता। कौन है हमारा आइकन, हु इज आइकन ऑफ यूथ। कौन है, कौन है हमारा आइकन। हमारा आइकन है स्वामी विवेकानंद। हमारा आइकन है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद क्यों है, जब विवेकानंद शिकागो गए एक सुंदर युवती ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। विवेकानंद जी ने पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं। विवेकानंद जी का जवाब, नोखा की इस धरती में अगर जवाब सही हो विवेकानंद जी का तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना। विवेकानंद जी ने जवाब दिया, इससे क्या होगा, मुझसे शादी करने से आपको क्या होगा। बोले जो संतान होगी वो दिव्य होगी। विवेकानंद जी ने कहा, इसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझको ही अपना बेटा स्वीकार कर लो। क्या बात है, ये है हमारा आइकॉन, ये है हमारा आइकॉन। स्वामी विवेकानंद जी से शिकागो में एक महिला, एक अंग्रेज ने कहा, आपके हिंदुस्तान की औरतें, हिंदुस्तान की महिलाएं ये जो बैठी हैं सामने में, ये बेटियां जो जिंदगी के कितने किरदार को जीती है, फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहें। क्या बात है, बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुन्दर पार शिकागो में हो और माँ बीकानेर में खास दे तो बेटी को एहसास होता है। वाह वाह। जब उस अंग्रेज ने विवेकानंद जी से कहा कि आपके हिंदुस्तान की महिलाएं बैकवर्ड हैं, नैरो माइंडेड हैं, तब विवेकानंद जी ने जवाब दिया, आपकी महारानी सामान्य लोगों से हाथ मिलाती है। बोले नहीं, नहीं मिलाती है। बोले मेरे देश की हर औरत हर लड़की आपकी महारानी से कम नहीं है। ये है विवेकानंद, ये है हमारा आइकॉन। देश में जो घटना घटी, 18 लोग शहीद हुए, भाई योगेंद्र शर्मा ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, मैं तो 4 ही पंक्तियां में कहना चाहता हूं, क्या फायदा यार घुट घुट करके जीने का, मोदी जी एहसास कराओ 56 इंची सीने का। मोदी जी एहसास कराओ 56 इंची सीने का। इस देश की राजनीति चाहे दल बदल जाए, आप देश विदेश में घूमो, हमको कोई शिकायत नहीं, पर हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित हो। मैं जानता हूं नोखा के लोगों को। मैं आया जब होटल में, एक आदमी से पूछा, बच्चा तुतला रहा था, मैंने बोला आपका बेटा तुतलाता है क्या। बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। तो ये नोखा का कॉन्फिडेंस है, मैं आपके कॉन्फिडेंस को समझता हूं, पहली बार आया हूं लेकिन खूब समझता हूं। नोखा का एक लड़का डॉक्टर बन के चला गया बीकानेर। नोखा का कॉन्फिडेंस देखिए नारायण धोंगर जी, आप गर्व करेंगे कि वास्तव में यहाँ के लोग, लड़के लड़का डॉक्टर बन गए। उसका कॉमन सेंस देखिए, एक नई नई शादी हुई, नया नया प्रेग्नेंट हुई, बच्चा होने वाला था, मेटर्निटी अस्पताल था। बोले देखिए ऐसा है, मैं, मेरे माँ बाप भी खड़े हैं,
लड़का होगा तो बोल देना टमाटर हुआ है, लड़की हो तो बोल देना प्याज हुई है। नोखा का डॉक्टर दिमाग देखो कितना तेज, जैसे ही बच्चा हुआ बाहर निकल बोले बधाई हो सलाद हुई है। ये कॉन्फिडेंस नोखा का। मल्लिका शेरावत, मैं ऐसी धार्मिक टाइप की सुनाता हूं, मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम सोचते हैं जब ना ये खाएंगे और ना खाने देंगे तो इतना शौचालय काहे बनवा रहे हैं। ताली बजाओ, सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। एक आ गए बोले अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, यही अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। दिन दहाड़े शटर तोड़ के चोरी कर लिया, आप बोलते हैं अच्छे दिन है, बोले तेरे भर आएंगे चोर के नहीं आएंगे। उसके भी अच्छे दिन आएंगे, हमारा तो नारा ही है सबके साथ सबका विकास। हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना राहुल जैसी जवानी मत देना और अडवानी जैसा बुढ़ापा मत देना। क्या बात है, सांस लेनी है। प्रताप जमाना है तेरे को, हाँ। आज सरदार और मेरा तय है, हम लोग साथ में खूब यात्राएं करते हैं, खूब कार्यक्रम करते हैं, पब्लिक बहुत है, पब्लिक बहुत है। बुद्धि प्रकाश इधर नहीं देखता, 1.25 लाख तो मंच में बैठा है एक सरदार, इसके 4 भाई और हैं, वो भेज दिया मंत्रालय में, मैं जैसा कि भाई ने बताया मंत्रालय में सचिव हूँ राजभाषा में। वो चारों भाई आ गए, बोले हमको कोई काम धंधा बताओ। मैं बोला सरदार आदमी हो, ट्रक चलाओ नहीं तो गैरेज खोल लो। 3 दिन बाद आए, बोले क्या धंधा बताया, कोई ग्राहक ही नहीं आता। बोले क्या किया, बोले गैरेज खोला हूँ। कहाँ, तीसरा मंजिल में। अबे तीसरा मंजिल में तेरा बाप गाड़ी लेके जाएगा। बोले बहुत पैसा खर्चा किया हूँ तो क्या करूं। मैं बोला होटल खोल ले। फिर 3 दिन बाद आ गया, बोले कोई ग्राहक ही नहीं आता। बोले बोर्ड तो हटा, प्रताप गैरेज। बोले जाओ तुम चारों भाई टैक्सी चलाओ। 4 दिन बाद फिर आ गए, बोले क्या धंधा बताया, कोई ग्राहक ही नहीं आता। टैक्सी में कौन जाते हो, बोले चारों भाई। बोले चारों भाई जाओ, तुम्हारा बाप घुसेगा, जगह नहीं रहेगा, तो जाओ टैक्सी को धक्का दो, कूद के मर जाओ। फिर आ गए, बोले क्या धक्का नहीं दिला रहे, क्यों 2 आगे से 2 पीछे से। ये है प्रताप फौजदार, आइटम है ये। अमेरिका में रहे एक साथ सरदार के साथ, एक साथ 1.5 महीना रहना हंसी खेल बात नहीं है। डेंजर जोन में रात को 11 बजे कविता सुनाता था, कविता सुनो, खिड़की से देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, फिर सड़क पर जाकर देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। ये लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे, हमने फोन लगाया प्रताप को, लादेन मरा कैसे, बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा, वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। अरे सुदामा, बड़ी अजीब स्थिति है। राखी सावंत तक, मैं बताया था ना धार्मिक टाइप की सुनाऊंगा। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा के पोच के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना, बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, और बच्चे इसीलिए पैदाइशी कंफ्यूज हैं। एक फादर घर में, एक फादर स्कूल में, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाएं, जाके बैठें, आंटी एक कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक बच्चा टाई बांध के आता है,
अंकल को पोयम सुनाओ, फिर चालू हो गया डिंग डॉन्ग वेल, पुसी इन द वेल, हुपुटर इन लिटिल टॉमी डिन, हुपुटर आउट लिटिल टॉमी स्टाउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं। अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को, मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। हिंदुस्तान का मैं अकेला कवि हूँ जिसने बराक ओबामा को कविता भेंट की 24 अप्रैल 2009 को वाशिंगटन डीसी में। अंग्रेजी आपके बच्चे को जॉब दे सकती है, पैकेज दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और मारवाड़ी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। संस्कार को बचाना जरूरी है। उनका उतने टाइम का करार था, बुलावा आ गया है। भाई विष्णु सक्सेना जितना जवानों को बिगाड़ सकते थे बिगाड़ दिए हैं, मैं आपका आभारी हूं। मैं अमेरिका गया था, नारायण जी ये बात सुन ले, वो नहीं जाएगा कहीं, आप तो चेक नहीं दिए हो ना, कहां से जाएगा, आप तो बैठो, रोक के बैठो, मारवाड़ी आदमी काम के बाद ही दोगे, खत्म। मैं अमेरिका गया कार्यक्रम करने के लिए। मैं एक सही बात बताना चाहता हूं, जब राजस्थान आता हूं तब मेरा मन करता है कि मैं इसका जिक्र करूं। ओक्लामा सिटी में हम कार्यक्रम कर रहे थे, रात को 11 बजे जब हम लौट कर आए, जिसके यहां हम रुके थे वो चांडक परिवार महेश्वरी और बाजू में अग्रवाल, वो तीन परिवार एक साथ रहते थे। रात को 11 बजे जब हम कवि सम्मेलन करके लौटे तो मारवाड़ी औरतें, मारवाड़ी लड़कियां, मारवाड़ी महिलाएं जीन्स और टॉप पहन कर, गणगौर का समय था, गोर गोर गणपति, ईश्वर पूजे, पार्वती पार्वती रो आलो गिलो, गोर रो सोनो रो टीको, टीको दे टमको दे, झाला रानी व्रत करे, करता करता आस है खास है, खेरा काटा लाडू लावे, लाडू ने बीरा ने दियो, बीरा ले खा गयो, चुनरी उड़ा गयो, अलमन सोला सात कटोरा, रानी पूजे राज ने, मैं पूजू से। वाह वाह। मेरे दोस्त ने कहा कि राजस्थान के लोग यहाँ आकर भी गणगौर मनाते हैं क्या? तब मेरा जवाब, और उस जवाब से आपकी छाती भी फूल जाएगी और आपको लगेगा कि मेरा जवाब सही था, तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइएगा। मेरी आंखें भराई ओक्लामा सिटी में, अमेरिका में, मैंने कहा ये राजस्थान के लोग हैं, 17,000 किलोमीटर दूर भी अपने संस्कारों को नहीं भूलते हैं, इसीलिए इनके संस्कार जिंदा है। संस्कार को जिंदा रखना जरूरी है। कवि सम्मेलन संस्कार का महायुद्ध है। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं जो रात को 11 बजे साउंड बंद करके चैनल देखते हैं। नाम भी ले सकता हूं मैं, पब्लिकली ले सकता हूं, पर बुद्धि प्रकाश ने बोला है नाम मत बोलना, इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूं। हाँ, बुद्धि का तो बोल दिया। रात को 11 बजे साउंड बंद करके चैनल देख रहे थे, बच्चा जाग गया, क्या देख रहे हो पापा? बहुत गरीबी है बेटा, देश में बहुत गरीबी है, कितना छोटा छोटा कपड़ा पहने, देश में बहुत गरीबी है। तो बोले इसको क्या देख रहे हो, 98 लगा उसमें ज्यादा गरीब बात है। साहब संस्कार का युद्ध है। अगर नारायण झंवर जी इतने साल से और नोखा विकास पार्टी अगर इतने दिनों से कवि सम्मेलन कर रही, तो कवि सम्मेलन का मकसद आपको संस्कारित करना है। और संस्कार सिर्फ कविता से क्या जरूरी है कवि सम्मेलन की? जब अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखें कि हिंदी सिनेमा में आगे आने के लिए अभिषेक को हिंदी सीखनी चाहिए, हरिवंश राय बच्चन के पोते को जब हिंदी का संकट आ जाए तो कवि सम्मेलन की जरूरत पड़ती है।